ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के मुख्यालय एवं कुलपति आवास में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने किया झंडोत्तोलन। जी हां, अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों के योगदान का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है, ऐसा कुलपति ने कहा है। वहीं हमारी आज़ादी का एक लंबा इतिहास भी रहा है। इतिहास हमें आगे चलने रहने के प्रेरणा देता है। आज के दिन हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन करते हैं, क्योंकि उनके संघर्ष का ही परिणाम है कि आज हम आज़ाद हैं। इधर सभी अज्ञात अज्ञात स्वाधीनता सेनानियों के योगदान का प्रतीक स्वतंत्रता दिवस 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय मुख्यालय में झंडोत्तोलन करते हुए कही। भाई उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि आज सभी भारतीय उत्साहित है, क्योंकि हम लोग आजाद है। आगे देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से झंडोत्तोलन का शानदार नजारा। Come on.
आज ही आजादी का महापर्व 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का महापर्व है। हिंदुस्तान में रहे हम जानते हैं इस बात को, विष्णु पुराण भी इसकी पुष्टि करता है। वो इस बात को कहता है कि हिंद महासागर दक्षिण में हिंद महासागर से लगा करके और उत्तर में हिमालय पर्वत की पूरे भूभाग में जो देश है उसका नाम भारत, और इस देश के जो निवासी हैं, जो इसमें रहते हैं 140 करोड़ की ये महाजनसंख्या, वो मां भारती की संतान है। हम आज इस पर्व को मना रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, आज आजादी के उत्साहित हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा। इतिहास हमें आगे चलने की प्रेरणा देता है, कैसे हम और चीजों को कर सकते हैं, उत्तम तरीके से कर सकते हैं, आगे जाने में कितनी और सहूलियतें ला सकते हैं, इस बात की हमें प्रेरणा देता है। आज का ये यादगार दिन हम सब मिलकर के इस आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम ज्ञात और अज्ञात शहीदों को आज भारतवर्ष के 140 करोड़ की जनसंख्या नमन कर रही है, क्योंकि उनके संघर्ष का परिणाम आज मिला। हम सब उनका नमन करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जो ज्ञात भी हैं, जो अज्ञात भी हैं। एक योजना भी चली इस बात की कि हर जिले में कितने ज्ञात और कितने अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन पर काम किया जाए, उनके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इन सेनानियों ने जो आजादी दिलाई उसका फल आज भोग रहे हैं। हर बात में जहां आप आगे जाना चाहते हैं, अपनी यात्रा आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि चाहते हैं, विकास चाहते हैं, संगठन चाहते हैं, समूह चाहते हैं, सबका योगदान चाहते हैं, सबसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उस दशा में कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं और इन प्रतीकों के माध्यम से हम संगठन को मजबूती देते हैं, कार्य को करते हैं, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। आजादी की लड़ाई में जो प्रतीक बने बड़े स्वाभाविक प्रतीक थे, जिन प्रतीकों के लिए कुछ हमें विज्ञापन नहीं देना पड़ा, कुछ किसी से कहना नहीं पड़ा, केवल उन प्रतीकों के माध्यम से एक उत्साह, एक जज्बा पैदा हुआ देश की सभी निवासियों ने। देश